सो वेलकम बैक एवरी वन, दिस इज़ केरी शर्मा। होप यू हैविंग वंडरफुल टाइम देयर। रिसेंटली मैंने एक वीडियो शेयर किया था जो कि था पॉली वोएजर फोकस यूसी हेडसेट के बारे में। दिस इज द हेडफोन राइट इन माई हैंड्स राइट नाउ। उस वीडियो में हमने किया था इसे अनबॉक्स, वी डिस्कस द फीचर्स एंड ऑल्सो काइंड ऑफ डेमोन्स्ट्रेटेड इट्स स्मार्टफोन एप्लीकेशन जो कि है प्लेंट्रॉनिक्स हब। फर्दर इन दिस वीडियो इट्स लाइक अ सेकेंड पार्ट टू दैट वीडियो। For the first video, I'm going to drop a link in the description below. Please go ahead and watch that. You will find a lot of information about this headphone. इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ अपना एक साल का एक्सपीरियंस, थॉरो एक्सपीरियंस विद दिस हेडफोन। मेरा एक्सपीरियंस इस हेडसेट के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा है, इसलिए मैंने सोचा आई शुड शेयर इट। सो दैट्स व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ। सो इन दिस वीडियो व्हाट वी आर डूइंग इज आई एम गोइंग टू शेयर विद यू सम ऑफ दोज डाउन साइड्स जो कि मुझे महसूस हुई इसे इस्तेमाल करने के दौरान, एंड ऑल्सो स्पेशली द एडवांटेजेस। एंड उसके बाद मुझे डेफिनेटली मौका मिला इसकी वारंटी सर्विसेज को भी टेस्टिफाई करने का इन इंडिया। सो मैं शेयर करूंगा आपके साथ इसके डाउन साइड्स, इसके एडवांटेजेस एंड ऑल्सो मेरा वारंटी एक्सपीरियंस अबाउट दिस डिवाइस। सो फर्स्ट आई विल बिगिन विद द डाउन साइड्स। सबसे पहला इस हेडसेट का डाउन साइड जो मुझे महसूस हुआ सरप्राइजिंगली, इसका ANC फीचर, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन। एक्टिव नॉइस कैंसलेशन कैसे वर्क करता है, जो हमारे आसपास का अननेसेसरी साउंड होता है उसको रिड्यूस कर देता है ताकि हम अपने काम पर फोकस कर पाएं, या फिर जो भी प्रोजेक्ट हम हैंडल कर रहे हैं, जो भी हम सुन रहे हैं उस पर हमारा मेन फोकस रहे। और इसका ANC कुछ खास काम नहीं करता है, उसे इनेबल करने के बाद आपको थोड़ा सा महसूस होगा जैसे कुछ डिफरेंस हुआ है, आसपास का साउंड थोड़ा कम हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। इट डजंट फील लाइक दैट मच। सेकंड डाउन साइड ऑफ दिस हेडसेट दैट आई फेल्ट क्लियरली, इस हेडसेट का वेट है अबाउट 155 ग्राम्स। हालांकि ये ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप लंबे समय तक इस हेडसेट का इस्तेमाल करेंगे तो आपको ये वेट कभी कभी फील होगा। हालांकि अगर आपकी आदत बन जाएगी इसे इस्तेमाल करना तो आपको इतना नहीं फील होगा, लेकिन उसका जो एक डाउन साइड है वो ये है कि अगर आपने इस हेडसेट को प्लेस किया है अपने ओवर द हेड लाइक दैट, देन यू आर गुड टू गो। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं जितनी देर भी आपने करना है, एंड लिटरली इट डजंट रियली हर्ट यू टू मच। लेकिन अगर आपने इसे थोड़ा एडजस्ट करने की कोशिश करी कुछ इस तरह से पीछे की तरफ कुछ ऐसे, तो ये स्टे नहीं करेगा, इट विल सिंपली स्लाइड डाउन। तो आप इसे पीछे की तरफ लीन नहीं कर पाएंगे like this, it will simply slide down like that. So it will not be very stable in that position. Third downside that I experienced about this headset is I use this headset primarily with my MacBook Pros, and जब जब मैं इसे इस्तेमाल करता हूँ, कभी कभी क्या होता है, not all the time, कभी कभी जैसे ही जब ये headset on है और मैं इसे जैसे ही wear करता हूँ तो ये अपने आप म्यूजिक एप्लीकेशन को ओपन कर देता है, एंड देन द म्यूजिक स्टार्ट्स प्लेइंग इटसेल्फ लाइक देयर इज अ ट्रैक रैंडमली दैट विल स्टार्ट प्लेइंग। इसका एक सोल्यूशन ढूंढने के लिए मैंने प्लेंट्रॉनिक्स हब में कई सारे ट्विक्स देखे जिनको मैंने चेंज किया, टॉगल इन टॉगल आउट जो भी था मैंने सब कुछ करने की कोशिश कर ली, बट इट डिड नॉट चेंज एनीथिंग एट ऑल। जो भी मीडिया कॉन्टेंट्स रिलेटेड फीचर्स थे मैंने उनको टर्न ऑफ टर्न ऑन करके देख लिया, बट इट डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस। तो मुझे ऐसा महसूस हुआ शायद ये हेडसेट कोई नई अपडेट का वेट कर रहा है, एंड आई थिंक सो दैट वुड काइंड ऑफ फिक्स इट। सो इट वॉज लाइक द नेक्स्ट डाउन साइड अबाउट दिस हेडफोन आई फेल्ट वॉज दिस माइक बूम। ये बहुत अच्छा है और आवाज़ को बहुत अच्छी तरह से पिक करता है, लेकिन थोड़ा छोटा है और ये मोल्डेबल नहीं है, ये थोड़ा सा और आगे तक होता तो आपको एक अच्छा कॉन्फिडेंस देता व्हेन यू टॉक। सो व्हेन यू हैव इट टू फार फ्रॉम योर माउथ इट गिव्स यू लेस कॉन्फिडेंस, मतलब आपको कभी कभी थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील कराएगा लाइक समबडी इज लिसनिंग यू नो। ऑल दो दिस पिक्स अप द वॉइस वेरी क्लियरली नाइसली, लेकिन थोड़ा और ये आगे तक होता तो कम्फर्टेबल रहता, और अगर मोल्डेबल होता तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता। तो मेरे लिए ये थोड़ा मुझे महसूस हुआ इट्स लाइक लिटिल, ये शॉर्ट है एंड इट कुड हैव बीन स्लाइटली बिगर। नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट सम गुड थिंग्स अबाउट दिस हेडफोन। इस हेडसेट का सबसे कमाल का फीचर जो सबसे ज़्यादा ऑसम है वो है इसकी वॉइस आइसोलेशन टेक्नोलॉजी। इसका माइक जो नॉइस कैंसिल करता है वो कमाल है। आई कैन टेल यू वन थिंग, इसे हम टेस्टिफाई करेंगे, मैं अभी आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा कि इसका माइक किस तरह से काम करता है। सो लेट मी जस्ट ब्रीफ यू अबाउट दिस। अगर आप किसी नॉइजी इन्वायरमेंट में हैं, आप अपने घर पर हो, देयर आर किड्स प्लेइंग अराउंड, देयर इज एनीबॉडी जस्ट प्लेइंग म्यूजिक और व्हाटएवर दे आर डूइंग, अगर आपको उस तरह के इन्वायरमेंट में भी अगर अपने क्लाइंट से, अपने ऑफिस में, अपने कलीग से, किसी से भी बात करनी है, दिस हेडसेट इज गोइंग टू किल ऑल दैट अननेसेसरी नॉइज़ अराउंड यू।
So for example, I'll just testify this right now कि ये कितनी अच्छी तरह से आपकी voice को isolate करता है headset. We will look into this right away. So what I'm going to do is, मैं अभी जो further video record करूँगा, उसमें मैं इस headset को connect करके इससे record करूँगा, and जो भी आपको सुनाई देगा, वो इससे होगा. सबसे पहले तो आप ये भी check कर पाओगे कि इसकी recording quality या फिर mic quality कितनी अच्छी है. And then मैं कुछ म्यूजिक प्ले करता हूँ एक स्पीकर पर, एंड देन वी विल टेस्टिफाई दैट. सो लेट्स फाइंड आउट. एंड नाउ आई एम बीइंग रिकॉर्डेड थ्रू दिस माइक्रोफोन राइट नाउ ऑन दिस हेडसेट. सो नाउ व्हाट आई विल डू इज, आई हैव गॉट दिस स्पीकर सिटिंग ऑन माय डेस्क, आई विल प्ले सम रैंडम म्यूजिक ऑन इट, एंड आई विल ट्राई टू रिकॉर्ड इट थ्रू दिस हेडसेट राइट नाउ, एंड लेट्स फाइंड आउट हाउ सून, हाउ क्लोजली दिस पिक्स अप द साउंड फ्रॉम दिस स्पीकर. लेट्स फाइंड आउट. आई प्ले द म्यूजिक ऑलरेडी, एंड And it's pretty loud, I can tell you. I mean, it is not that loud, but it is still very loud, I can tell you that. And it is just sitting right next to me. I mean, you can see this. It's about a feet and a half away from me. Aur abhi bhi ye kis tarah ka sound isme pick kar raha hai, I cannot tell you, because I'm not just making any tweaks or anything right now. All I'm doing is I'm just recording it right now. This is how it purifies your voice from all surrounding sound. Second most important advantage of this headset, किसी भी wireless headset के लिए उसका battery backup अच्छा होना बहुत ज़रूरी है. And by the way, इस headset को मैं 8 से 10-10 घंटे तक लगातार use कर चुका हूँ, जिसमें कि mixed type का experience मेरा रहा, जैसे कि YouTube देख लेना या फिर कुछ music सुन लेना बीच बीच में, client meeting कर लेना, back to back घंटों के लिए बात कर लेना, you know, headset पर. I have done that with this headset on numerous occasions. मतलब मैंने कई बार ऐसा किया है कि इसे मैं 8 से 10 घंटे तक लगातार इस्तेमाल कर चुका हूँ बिना बीच में इसे चार्ज किए, and still there was like a juice left in this. इस हेडसेट को मैं पिछले एक साल से लगातार यूज़ करता हुआ आ रहा हूँ, एंड मैंने इसे बहुत इस्तेमाल किया है, मतलब बहुत कंसिस्टेंटली यूज़ किया है मैंने इसे. ऑलमोस्ट एवरी डे आई यूज इट. कभी कभी ऐसा कोई टाइम आएगा जिस दिन मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया होगा, नहीं तो ऑन एन एवरेज 3 to 4 hours तो मैं कह सकता हूँ कि मैंने इसे एवरी डे यूज़ किया है पिछले एक साल में. एंड उस हिसाब से लगभग मैं इसे एक साल में 1200 घंटे, लगभग 1200 आवर्स में इसे इस्तेमाल कर चुका हूँ, एंड द बैटरी स्टिल वर्क्स लाइक जैम. थर्ड एडवांटेज इस हेडसेट का जो मुझे लगा, वो है इसकी कंफर्टेबल और बहुत स्टडी काइंड ऑफ ग्रिपिंग फिट. ये इसका मेटल ग्रिप है. पिछले भी वीडियो में मैंने डेमोन्स्ट्रेट किया था इसे. इसमें 10 पॉइंट एडजस्टमेंट के साथ ही आता है दोनों साइड से. तो आप इसे अगर आपका यू नो जो भी आपके हेड की शेप है, जैसी भी है, कैप वियर करते हो या फिर आप कोई यू नो कोई वुलन कैप भी वियर कर रहे हो ठंड के सीज़न में, तो दिस कैन बी ईजिली एडजस्टेड और इसकी ग्रिप बहुत स्टडी रहेगी एज लॉन्ग एज यू कीप इट वेरी स्ट्रेट लाइक दैट. इसके एयर कप्स एंड इसके मेटल हेड ग्रिप के नीचे ये लेदरेट कुशनड स्ट्रैप है, जो कि आपको हर्ट नहीं करता, एंड इट गिव्स यू रियली कंफर्टेबल फिट, एंड एज वेल एज दीज ईयर कप्स. इसका अगला एडवांटेज जो मुझे पसंद है इस हेडफोन के लिए, वो है इसका वेट. मैंने मेंशन किया था इसके डाउनसाइड में कि इसका वेट ज़्यादा है. अगर ये 100 और 120 ग्राम्स होता तो शायद और भी अच्छा रहता, बट डेफिनेटली मेरे कहने से ऐसा नहीं हो पाएगा. इसके कंपटीशन में जितने भी हेडसेट पॉली से आते हैं विद अ माइक स्पेशली, वो सब काफ़ी हैवी हैं. इनफैक्ट द नेक्स्ट एंड लास्ट एडवांटेज अबाउट दिस हेडसेट, आई विल मेंशन द हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दिस इज, इट इज़ ड्यूरेबल. इसे एक साल लगभग मुझे इस्तेमाल करते हुए हो चुका है, जैसा कि मैंने आपको बताया है, एंड अब तक अगर मैं कहूँ तो आप नोटिस करेंगे इसके एयर कप्स या इसके कुशंस में कोई अंतर खास नहीं आया है. इस हेडसेट को खरीदने के एक महीने के अंदर अंदर इसके राइट ईयर कप में से कुछ क्रैकलिंग साउंड आने लगे थे. शुरुआत में वो ज़्यादा नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे 2-3-4 दिन बाद वो बढ़ते गए और वो एक पॉइंट पे ऐसे होने लगे कि ये बहुत तेज साउंड करने लगा, लाइक बैड साउंड इन माय ईयर. तो मुझे लगता था मेरे ईयर को भी ये हर्ट कर रहा है डेफिनेटली. आई कॉल देम अप, उनके किसी सुपरवाइजर से मेरी बात हुई थी, उन्होंने मेरे से ईमेल में कुछ इन्फॉर्मेशन मांगी, मेलिंग एड्रेस एंड ब्ला ब्ला ब्ला. उसके बाद मैंने इस हेडसेट को उन्हें सेंड किया था, उन्होंने लगभग 2 दिन के अंदर अंदर कंप्लेंट करने के बाद इसे पिक कराया था, एंड उसके बाद लगभग 3 दिन के अंदर अंदर उन्होंने मुझे एक नया हेडसेट डिलीवर कर दिया था. आई बिलीव ड्यूरिंग दिस पीरियड उन्होंने चेक किया होगा इस हेडसेट को कि कोई फिजिकल डैमेज तो नहीं है,
क्योंकि उसमें वारंटी वॉइड हो जाती डेफिनेटली, सो देर वॉज नो फिजिकल डैमेज. उन्होंने मुझे नया हेडसेट भेज दिया और यही वो नया हेडसेट है जो मैं एक साल से यूज़ करता रहा हूँ एंड नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो ओवरऑल मेरा वारंटी एक्सपीरियंस इनके साथ काफ़ी अच्छा रहा. मुझे ऐसा लगता है कि हाँ डेफिनेटली हर कंपनी डिजर्व करती है अपना टाइम लेना किसी भी डिवाइस पर, उसको इंस्पेक्ट करना कि फिजिकली वो डैमेज तो नहीं कर दी गई है, एंड दैट्स व्हाट दे डिड. तो लगभग 5 से 6 दिन के अंदर अंदर उन्होंने डिवाइस को पिक किया और मुझे नई डिवाइस डिलीवर कर दी एंड आई वॉज हैप्पी विद दैट. एंड यही वो डिवाइस जिसे मैं इस्तेमाल करता रहा हूँ तब से अब तक. एडिश मैं बहुत सारी क्लाइंट मीटिंग्स करता हूँ ऑनलाइन थ्रू वेरियस एप्लीकेशंस, जूम के जरिए, स्काइप के जरिए, कुछ सॉफ्ट फोन्स के जरिए लाइक रिंग सेंट्रल, एंड मुझे हमेशा एक हेडसेट की ज़रूरत होती है जो कि आसपास के अननेसेसरी साउंड को किल करे और केवल मेरी वॉइस पर यू नो केवल फोकस रखे, एंड दैट शुड बी डिलीवर टू माय क्लाइंट, दैट्स व्हाट आई ऑलवेज वांट. तो इससे पहले मैं वायर्ड हेडफोन्स का इस्तेमाल करता हुआ आ रहा था, एक्टिव नॉइस कैंसलेशन के साथ कुछ हेडफोन्स उसमें भी थे लाइक फ्रॉम सनाइजर एंड पॉली प्लैंट्रॉनिक्स इटसेल्फ. इस बार मुझे चाहिए था एक वायरलेस हेडसेट विद माइक बूम स्पेशली, जो कि और क्लैरिटी दे मेरी आवाज़ को एंड कोई भी बेकार का साउंड उसमें पिक ना हो. तो कन्फ्यूजिंग होता है किसी के लिए भी कुछ इस तरह की डिवाइसेस को पिक करना, क्योंकि ये बहुत रेगुलर डिवाइसेस नहीं है, रेगुलर हेडफोन्स नहीं है जो मार्केट में हर जगह अवेलेबल होते हैं और ढेर सारे रिव्यूज़ इनके मिलते हैं और आप खरीद लो. तो मैंने भी बहुत सारी रिसर्च की थी अमेज़न के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए, बट मेरे को कुछ ऐसा प्रिसाइस नहीं मिला था. तो आई थॉट कि आई शुड बाय दिस हेडसेट. इसको लेने के बाद जो मुझे सेटिस्फेक्शन हुई वो इम्पैकेबल है, क्योंकि ये क्वालिटी तो वो हेडफोन भी यू नो डिलीवर नहीं कर पाए जो वायर्ड थे. सो आई थिंक सो दिस सर्व्ड माय पर्पस वेल. दिस इज़ द वेरी नोटिसेबल पॉइंट. अगर आप भी VoIP कॉल्स करते हैं, किसी भी तरह की इंटरनेट कॉल्स करते हैं, चाहे वो स्काइप के जरिए हो, जूम के जरिए, टीम्स के जरिए, चाहे वो रिंग सेंट्रल, कोई भी सॉफ्ट फोन है, दिस हेडफोन इज़ अ किलर. आई कैन टेल यू दैट. मतलब ये this will give you a different level of satisfaction that I can tell you, because the features are impeccable, the quality of this headset is impeccable, the grip, the build quality of the product is absolutely luxury. So I think so I love this product and I have really enjoyed using it for a year. That's what I definitely wanted to put up in this video. This is pretty much it from my end about this device. This is my overall experience and this has been thoroughly positive. I have loved and enjoyed using this headset once again. Poly Voyager Focus UC. I loved it. Thank you for being on the video. I really appreciate that. If you have liked the video, you may want to stay connected for the future updates and for more informative content. Have a lovely rest of day, evening or night ahead. I'll see you soon.